नमो बुद्धाय, मैं विक्रम, आपका स्वागत है अपना विहार अपनी आवाज में। आप भी हमारे साथ त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें। बुद्धं शरणं गच्छामि। जय भीम। पकड़िए पैर। मैंने पैर बोला और सबने अपना सर पकड़ा है। दर्शकों देखिए, अपना विहार अपनी आवाज। नमो बुद्धाय, जय भीम। दर्शकों, मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूं आपके मनपसंद कार्यक्रम अपना विहार अपनी आवाज में। आज हम आपके लिए लेकर आए बहुत ही प्यारा विहार, जिस विहार का नाम है सम्यक बुद्ध विहार, और ये आता भी सम्यक नगर नारी रोड नागपुर महाराष्ट्र में है। इस वक्त मैं विहार के प्रांगण में मौजूद हूँ और इसी विहार के प्रांगण में ये भव्य महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध की प्यारी सी प्रतिमा नजर आ रही है। इसके पहले कि हम ये सफर शुरू करें, सबसे पहले दर्शकों मैं आपको इसी प्रतिमा के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि ये प्रतिमा केवल 2.5 दिन में यहाँ पर तैयार की गई है, यानी कि 2 दिन और आधा दिन, 2.5 दिन में ये प्रतिमा यहाँ पर तैयार की गई है। खास थाईलैंड से आए जो कलाकार थे, उन्होंने यहाँ पर मेहनत कर केवल 2.5 दिन में ये प्रतिमा को यहाँ पर तैयार किया है और यहाँ पे स्थापित किया है। ये बहुत बड़ी बात है। और भी बहुत कुछ है इस विहार के बारे में खास, तो देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का अपना विहार अपनी आवाज का ये सफर। दर्शकों, विहार में आने के बाद जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, सबसे पहला कर्तव्य होता है कि हम त्रिशरण और पंचशील ग्रहण करें। इस विहार में परम पूज्य भंते जी है मौजूद, तो हम सबसे पहले उनसे याचना करेंगे और वे हमें त्रिशरण पंचशील ग्रहण करेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप भी हमारे साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें।
दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि आपने भी हमारे साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण किया होगा और जो सुकून, जो शांति इस वक्त हम सब महसूस कर रहे हैं, आप सब भी महसूस कर रहे होंगे। अब वक्त है विहार को और अधिक बेहतर तरीके से जानने का, तो आइए विहार समिति से, उपासक उपासिकाओं से हम जानने का प्रयास करते हैं किस तरह विहार की स्थापना हुई, किस तरह कार्य कर रहा है और हाँ, किस तरह का कार्य भविष्य में किया जाना बाकी है। मैं नीलकंठ शिंदे, सम्यक नगर नारी रोड नागपुर। या सम्यक बुद्ध विहाराची स्थापना 25/11/1990 सुखोई खेरोमो जपान यांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम संपन्न झाला आणि त्यावेळेस या विहारामध्ये काहीच सुद्धा नव्हतं, एक छोटासा विहार होता। परिश्रमाने आम्ही सर्व काही या विहाराची स्थापना केली, उपासक उपासिकाचा यात सर्वात मोठा सहभाग आहे। जय भीम, मी सतीश कुमार मेश्राम, सम्यक नगर विहारामध्ये मी उपासक म्हणून येतो आहे। आमच्या या विहारामध्ये सर्व महापुरुषांच्या जयंत्या, पुण्यतिथी, नंतर विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक कार्यक्रम, तसेच महापरित्राण आणि रोज सकाळ संध्याकाळ वंदनही होत असते आणि सर्व वस्तीतील नागरिकांचा सहभाग याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात दाबत असतो। जय भीम, मी अनिल पंजाबराव गजवीये। मी या सम्यक विहाराचा सामान्य कार्यकर्ता आहे। या विहारामध्ये दिवसेंदिवस प्रगती व्हावी, उपासक उपासिका जास्तीत संख्येने यावे आणि चांगल्या रीतीने विद्यार्थ्यांनासुद्धा मार्गदर्शन मिळावं आणि चांगल्या संस्कार केंद्र अधिक कसं निर्माण होईल हे आम्ही यासाठी सतत आमचा उपासक उपासिकाचा संघ सतत झटत असतो। सम्यक नगर येथील सर्व नागरिक व उपासक उपासिका आम्हाला नेहमी सदैव सहकार्य करतात। दर्शकों, विहार समिति से हमने जाना कि किस तरह से विहार की स्थापना हुई, किस तरह कार्य किया जा रहा है और किस तरह का कार्य अभी किया जाना बाकी है। दर्शकों, इस विहार का बहुत सा कार्य अभी निर्माण कार्य अधूरा है। महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा पर शेड लगाना है और भी कई तरह का कार्य बाकी है। तो जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि आप हो सके तो इस विहार को धम्मदान देकर इस विहार को और अधिक प्रगति पर ले जाने में अपना योगदान जरूर दें। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार भीम का दीवाना बोध कथा, बहुत कुछ आपका इंतजार कर रहा है। तो बने रहे आवाज इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे अपना विहार, अपनी आवाज। वो व्यक्ति सोचता है कि जिस तरह का घर मैं चाहता था ये तो वही है, वो तुरंत उस नंबर पर कॉल करता है। दर्शकों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके मनपसंद कार्यक्रम अपना विहार अपनी आवाज में। अब वक्त है एक बोध कथा श्रवण करने का, तो देर नहीं करते क्योंकि अच्छी चीजों को कभी भी देर नहीं करते। तो आइए सुनते हैं आज की ये बोध कथा। आज की बोध कथा हमने आम जिंदगी से ली है। एक व्यक्ति जिसके पास बढ़िया सा मकान होता है, सारी सुख सुविधाएं होती है, बावजूद उसके वो काफी परेशान होता है, उसे वो घर पसंद नहीं आता। वो सोचता है कि मैं कहीं और जाकर रहूं तो शायद बेहतर है। ये सोचकर वो अपने मित्र को बुलाता है जो कि प्रॉपर्टी का काम करता है। वो कहता है कि भाई एक काम कीजिए, बोले यार मेरा ये मकान जो है इसे बिकवा दो, बोले मैं शहर आकर रहना चाहता हूँ। तो उसका मित्र कहता है कि इतना बढ़िया मकान है, इतना अच्छा सब है, ये छोड़कर क्यों जाना चाहते हो? बोले सब यहाँ पे आसपास में इतने पेड़ है, उसके सब पत्ते जब सूख जाते हैं तो सब घरों में आते हैं, इतनी तेज़ हवाएं चलती है, ये पहाड़ है यहाँ पर, ये भी जब यहाँ पे बर्फ़ जमा होती है तो तकलीफ होती है, ठंड बढ़ जाती है, ये सब मुझे बर्दाश्त नहीं होता है, बोले। तो उसका मित्र मुस्कुरा जाता है और बस इतना कहकर चला जाता है कि ठीक है, बोले तुम जैसा कह रहे हो मैं वैसा करता हूँ। दूसरे दिन ये व्यक्ति जब अखबार पढ़ रहा होता है, उस अखबार में एक घर का विज्ञापन इसे नजर आता है जिसमें लिखा होता है कि एक शानदार घर के मालिक बनिए जहाँ पर रोज ताजी हवाएं आपको मिलेगी, पहाड़ों की सौंधी सौंधी मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू आपको मिलेगी, पहाड़ों का नजारा मिलेगा
और नदी भी मिलेगी। वो व्यक्ति सोचता है कि जिस तरह का घर मैं चाहता था ये तो वही है। वो तुरंत उस नंबर पर कॉल करता है। जब कॉल करता है तो उससे आश्चर्य होता है कि ये वही घर था जिस घर में इतने सालों से वह व्यक्ति रह रहा था। और उसे पता चलता है कि जिस तरह का घर मैं चाहता था उसी तरह के घर में तो मैं रह रहा हूं, फिर कमी क्या है। और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। दर्शकों, हमारे साथ भी कुछ इसी तरह का होता है। होता यह कि हम सिर्फ अपनी ही नजर से अपनी जिंदगी को देखते हैं और हमें लगता है कि नहीं, मेरी ये नौकरी सही नहीं है, या फिर मैं जो काम कर रहा हूँ ये सही नहीं है, मेरी जिंदगी में मुश्किलें हैं। लेकिन अगर हम दूसरों की सोच के साथ अपने आप को देखें तो पता चलेगा कि हम कई और लोगों से बेहतर हैं। उन लोगों से जिंदगी हमारी कई गुना बेहतर है जिन लोगों को हम सोचते हैं कि इनकी ज़िंदगी बेहतर है। लेकिन अगर हम उनकी नज़र से देखें तो पता चलेगा कि हमारी ज़िंदगी जो इस वक्त हम जी रहे हैं वो कितनी बेहतर है। तो बस सकारात्मक सोच बनाए रखें, यही मंगल कामना है। तो दर्शकों, ये थी आज की बोध कथा। उम्मीद करते हैं ये बोध कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। और अगर आपके पास भी इस तरह की कोई बोध कथा है तो देर ना करें, नीचे व्हाट्सएप नंबर पर हमें व्हाट्सएप के जरिए अच्छी अच्छी कहानियां भेजें। जब भेजें तो अपना नाम और पता सब लिखकर जरूर भेजें। दर्शकों, अब वक्त है, क्या कहा, गाना गाने का, गुनगुनाने का। बिल्कुल सही कहा, अब वक्त है गाना गाने का, गुनगुनाने का, सबके साथ मिलकर। तो देर किस बात की, आओ मिलकर गाएं। Thank you.
कहते हैं तो हम इतना खो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता हमारे हाथ का है, पैर का है और सर का है। इन सबसे मैंने पैर पकड़ने की और सबसे अपना सर पकड़ लिया। दर्शकों मैं हमेशा कहता हूँ वो कहता होगा कि हाँ मैं हूँ भीमका दीवाना और ये सारे बच्चे भीम के दीवाने। दर्शकों वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आज का सुविचार। सुविचार यही है कि जिस तरह हम गर्म पानी में खौलते हुए पानी में अपना अक्ष नहीं देख सकते, उसी तरह जब हमें क्रोध आता है तो हम अपनी स्थिति का पता नहीं लगा सकते और हम अब इस क्रोध में ऐसे ऐसे काम कर लेते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। तो क्रोध से बचें, शांति बनाए रखें, यही मंगल कामना है। बने रहे आवाज इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे अपना बिहार अपनी आवाज। बाबा साहब और माता रमाई, इनका विवाह कौन से वर्ष में हुआ था? कौन बता सकता है? सिर्फ हाथ ऊपर करे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है अपना बिहार अपनी आवाज में। दर्शकों अपना बिहार अपनी आवाज में अब वक्त है सवाल और जवाब का। आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा तादाद में उपासक उपासिकाएं इस विहार में मौजूद है। यहां पे खड़ा रहने के लिए जगह कम पड़ रही है, इतने उपासक उपासिकाएं। तो आइए शुरू करते हैं हम सवाल और जवाब का ये सिलसिला। हमेशा की तरह मेरे तीन सवाल होंगे। अब देखना है कि तीन सवालों का जवाब किन किन लोगों को देते आता है। तो मेरा पहला सवाल यह है, बाबा साहब और माता रमाई, इनका विवाह कौन से वर्ष में हुआ था? कौन बता सकता है? सिर्फ हाथ ऊपर करे, बातचीत आपस में ना करे। एक भी हाथ अब तक ऊपर नहीं हुआ है, जबकि ये आ जाए आप यहां पर। ये सवाल मैं कई बार पूछ चुका हूं, बावजूद इसके पूछना पड़ता है कि अभी तक। एक मिनट, जय भीम, आपका परिचय दें। मैं कल्पना उके। हाँ बताएं। 1909 जी। 1909 नहीं 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 नहीं। जय भीम आपका परिचय दें। जय भीम मैं स्वाति वासनी। बताएं। 1906। इनका कहना है 1906, उनका 1909। लेकिन दर्शकों मैं आपको बता दूं कि उनका जवाब तो गलत था और इनका भी जो जवाब है वो गलत नहीं है, सही जवाब है। जोरदार तालियां इनके लिए। चलो सही जवाब हमें मिल गया है। अब मुझे ये बताएं, महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध की एक प्रतिमा इस मुद्रा में होती है कि जहां पर उनकी उंगलियां जो है वैसे नीचे की तरफ रहती है, उस मुद्रा को कौन सी मुद्रा कहकर संबोधित किया जाता है? कौन बता सकता है? महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध की जो प्रतिमा होती है, कुछ प्रतिमाओं में उनकी उंगलियां नीचे होती है। आप आ जाएं, आपसे मैं पूछ चुका हूं। जय भीम अपना परिचय दें। मैं विश्रांति जांभोड़कर। बताए कौन सी मुद्रा कहा जाता है? भूमि स्पर्श। भूमि स्पर्श मुद्रा, बिल्कुल सही जवाब है। जोरदार तालियां। देखिए दर्शकों इतने सारे उपासक उपासिकाओं में से सिर्फ दो या तीन लोगों के हाथ ऊपर हो रहे हैं, इसका मतलब अभी भी जागरूकता की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसीलिए मैं बार बार ये सवाल को दोहराता हूं ताकि लोगों को पता चले कि क्या है। ये छोटी छोटी चीजें हमें पता होनी बहुत जरूरी है। अब मेरा सवाल यह है कि इस विहार में हमें अशोक चक्र कितनी जगह पर नजर आता है? अब मत गिने, अब ना गिने, कौन बता सकता है? हाथ ऊपर करें, नहीं तो मैं ही बता दूंगा उसके पहले। अगर हाथ ऊपर करें, साहब आ जाएं आप यहां पर। अगर ये जवाब नहीं दे पाए तो जवाब मैं ही दूंगा। बताएं साहब। दो ठिकाने में। जी नहीं सर। ठीक है मैं बता दूं दर्शकों, चार जगह पर नजर आता है। आप मेरे लिए तालियां बजा सकते हैं। एक महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध के पीछे है, एक बाबा साहब के पीछे, और आप जो खड़े हैं वहां पे आपके पीछे दो है वहां पे। इस तरह से चार अशोक चक्र हमें इस विहार में नजर आते हैं। तो मेरे तीन सवाल खत्म हो चुके हैं, बढ़ते हैं आगे। दर्शकों अब वक्त हो चला है सामूहिक शपथ लेने का, वही शपथ जो हर विहार में हम लेते हैं। और आपसे भी मैं हमेशा गुजारिश करता हूं,
कि आप भी हमारे साथ मिलकर ले, और आप लेते भी है और उसे पूरा भी करते हैं। और वो शपथ ये है कि बाबा साहब ने हम सबको एक आदेश दिया था, हर बुद्धिष्ट व्यक्ति को सहपरिवार हर रविवार को विहार में जाना ही चाहिए, ये उसका कर्तव्य है। और इसी आदेश का पालन करने के लिए और इसी कर्तव्य की पूर्ति करने के लिए हर विहार में हम शपथ लेते हैं, जो आज भी हम लेने जा रहे हैं। और हमेशा की तरह मैं फिर से कहूंगा कि आप भी हमारे साथ मिलकर ये शपथ लें। हम बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायी, हम सभी बौद्ध जन मिलकर ये शपथ लेते हैं, हम सहपरिवार हर रविवार और छुट्टी के दिन परिसर के विहार में जाएंगे, वहां पर वंदना करेंगे, यथाशक्ति धम्मदान करेंगे, साथ ही एक दूसरे के सुख और दुख में शामिल होंगे। आवाज इंडिया टीवी के माध्यम से हम सब मिलकर ये शपथ ग्रहण करते हैं, नमो बुद्धाय, जय भीम। हाथ नीचे करें। दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपने भी न सिर्फ हमारे साथ मिलकर ये शपथ ली होगी, बल्कि इस शपथ का पालन भी आप कर रहे होंगे और साथ ही औरों को भी इसके लिए प्रेरित कर रहे होंगे। दर्शकों, आवाज इंडिया टीवी को मजबूत बनाने के लिए जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, आप भी अपना योगदान दें। सबसे पहले इसे नियमित तौर पर देखें और अपने घर परिवार में होने वाले जन्मदिवस, शादी की सालगिरह, स्मृति दिन या फिर अन्य किसी भी प्रसंग का एक विज्ञापन वर्ष में एक बार भी अगर आप आवाज इंडिया टीवी पर देते हैं तो आप इसे मजबूत बनाने में अपना योगदान देते हैं और इसे अपनी जिम्मेदारी समझकर अगर आप निभाते हैं तो अपनी जिम्मेदारी को भी आप निभाते हैं। इस विहार में भी कई उपासक उपासिकाओं ने अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। ऐसा मैं हमेशा कहता हूँ, मैं वही आज भी कहूंगा, लेकिन इस विहार में कुछ खास बात अलग सी ये है कि ये अब तक हमने आपको जितने विहार दिखाए हैं उस विहार में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी निभाने वाला ये विहार यानी कि नंबर वन विहार जिम्मेदारी निभाने में बन चुका है। इस विहार में कुल मिलाकर 18 उपासक उपासिकाओं ने आवाज इंडिया टीवी पर इसी दिन जिस दिन हमने कार्यक्रम लिया विज्ञापन देकर चैनल को मजबूत बनाने में अपना योगदान दिया है और अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। तो आइए देखते हैं इस विहार को जिम्मेदारी में नंबर वन बनाने वाले कौन कौन है, ऐसे उपासक उपासिका को देखते हैं। आवाज इंडिया टीवी को एड देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने निभाई? मैंने आवाज इंडिया चैनल को एड देकर अपनी जिम्मेदारी निभाई है, क्या आपने निभाई है? आवाज इंडिया टीवी पर विज्ञापन देकर मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, क्या आप लोग ने निभाई है? आवाज इंडिया टीवी को एड देकर हमने जिम्मेदारी निभाई है, क्या आपने निभाई है? आवाज इंडिया टीवी को एड देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने निभाई? आवाज इंडिया टीवी ला मी आपली जाहिरात देऊन आपले कर्तव्य पार पाडले, तुम्ही पाडलेत काय? आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने निभाई? आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, आपने निभाई क्या? आवाज इंडिया टीवी पर विज्ञापन देकर हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, क्या आपने निभाई? आवाज इंडिया टीवी ला जाहिरात देऊन आम्ही कर्तव्य पूर्ण केलं, तुम्ही केलं का? आवाज इंडिया टीवी को ऐड देके मैंने मेरी जिम्मेदारी निभाई, आपने निभाई क्या? आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने निभाई क्या?
आवाज़ इंडिया टीवी पर मैंने अपनी ऐड देकर अपनी जिम्मेदारी निभाई, वो आपने निभाई क्या? आवाज़ इंडिया टीवीला जाहिरात देऊन मी माझे कर्तव्य पार पाडले, तुम्ही पाडलेत का? मैंने आवाज़ इंडिया टीवी पे ऐड देके अपनी जिम्मेदारी निभाई है, क्या आपने निभाई है? आवाज़ इंडिया टीवी चैनल को हमने ऐड देकर अपनी जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने निभाई है? आवाज़ इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने मेरी जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने निभाई? आवाज़ इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई है, क्या आपने निभाई है? दर्शकों, ये था सम्यक विचारों वाला, सम्यक संस्कार देने वाला सम्यक बुद्ध विहार, जो आता है सम्यक नगर नारी रोड नागपुर महाराष्ट्र में। उम्मीद करते हैं ये विहार आपको जरूर जरूर पसंद आया होगा, और अगर आपके पास भी इस तरह का कोई विहार है तो हमेशा की तरह यही कहूंगा, ये नीचे जो व्हाट्सएप नंबर चल रहा है इस पर व्हाट्सएप के जरिए अपने विहार का पूरा विवरण हमें लिख कर भेजें। हम प्रयास करेंगे आपके विहार को दुनिया तक पहुंचाने का इस कार्यक्रम के माध्यम से, जिसका नाम है अपना विहार अपनी आवाज। साथ ही आपको बता दूं कि YouTube पर भी आप सारे विहारों का मजा ले सकते हैं। आवाज इंडिया टीवी की साइट पर सिर्फ टाइप करें अपना विहार अपनी आवाज, आपको सारे विहार नजर आ जाएंगे। तो आज के लिए मुझे विक्रम को दीजिए इजाजत, मिलेंगे नई जगह नए विहार में कैमरा पर्सन धम्मपाल जी और श्रेयस जी के साथ। तब तक के बने रहे आवाज इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे अपना विहार अपनी आवाज़।